अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स एंड लिसनर, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंस ऑफ टेक। मैं आपको एक मरतबा फिर अपने चैनल ब्रिलियंस ऑफ टेक में वेलकम करता हूँ। आज हमारा SEO के रिलेटेड 6 ट्यूटोरियल है, जिसमें हम व्हाइट हैट SEO, ब्लैक हैट SEO एंड ग्रे हैट SEO पर बात करेंगे। व्हाइट हैट SEO क्या होती है, ब्लैक हैट SEO क्या होती है, और इसका रोजमर्रा यानी SEO में इसका क्या इस्तेमाल है, ये हमारा मेन पॉइंट होगा कि आया कि इसका लोग इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, ब्लैक हैट SEO का इस्तेमाल किया जाता है या नहीं किया जाता, यह सबसे अहम क्वेश्चन है। और यह क्या होती है व्हाइट हैट SEO और ब्लैक हैट SEO क्या होती है, लेट्स गो। हर काम करने के दो तरीकेकार होते हैं, एक सही तरीकेकार और एक गलत तरीकेकार। ऐसे ही SEO करने के दो तरीके हैं, व्हाइट हैट SEO एंड ब्लैक हैट SEO। यानी व्हाइट हैट SEO जो राइट वे है SEO करने का, जो राइट वे है वो व्हाइट हैट SEO है, जो रॉन्ग वे है उसको ब्लैक हैट SEO कहते हैं, यानी ब्लैक हैट SEO। व्हाइट हैट SEO में हम सर्च इंजन के असूलों के मुताबिक हम SEO करते हैं, सर्च इंजन के असूलों को फॉलो करते हुए जो भी हम SEO करते हैं उसको व्हाइट हैट SEO कहते हैं, और सर्च इंजन के रूल्स के अगेंस्ट जो हम SEO करते हैं उसको ब्लैक हैट SEO कहते हैं। व्हाइट हैट SEO को एथिकल SEO भी कहा जाता है, यानी राइट वे से की गई SEO एथिकल SEO, इसको व्हाइट हैट SEO का एक और नाम भी दिया जाता है ऑर्गेनिक SEO, यानी नेचुरल SEO, दुरुस्त तरीके से जो इसका 100% राइट मेथड है उस मेथड से SEO करना, यानी ऑर्गेनिक SEO कहलाता है। व्हाइट हैट SEO में हम सर्च इंजन के असूलों को मद्देनजर रखते हुए सारा प्रोसेस करते हैं, अपनी वेबसाइट को रैंक कराते हैं, सर्च रिजल्ट्स में हम अपनी वेबसाइट को लेके आते हैं। इसमें जो भी हम रूल्स फॉलो करते हैं वो सर्च इंजन के असूलों के मुताबिक होते हैं, कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना, यानी हमारा कंटेंट बिल्कुल ऑप्टिमाइज होना चाहिए सर्च इंजन के असूल के मुताबिक, हमारा जो कंटेंट हो गया वो कॉपी, यानी उसमें कोई कॉपीराइट कंटेंट नहीं होना चाहिए, किसी और जगह से वेबसाइट का कॉपी किया हुआ कंटेंट नहीं होना चाहिए, हमारा बिल्कुल कंटेंट ऑप्टिमाइज किया हुआ होना चाहिए, इमेजेस भी हमारे खुद की हों, इसमें इमेजेस भी किसी और की बनी हुई नहीं होनी चाहिए, किसी और जगह से हमने कॉपी कर ली या डाउनलोड करके हम अपने कंटेंट में ऐड करेंगे, इसको ऑप्टिमाइज कंटेंट कहते हैं। क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना, यानी जिस भी टॉपिक पर हम कंटेंट आप प्रोवाइड करते हैं वो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, उसमें 100% प्लैरिज्म नहीं होना चाहिए, जिस भी टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं उसी ही टॉपिक पर आपका कंटेंट होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग पर आप बात कर रहे हैं तो उसमें आप डिजिटल मार्केटिंग की आपने कुछ कंटेंट ऐड कर दिया है और कुछ कंटेंट आपने किसी और कैटेगरी के रिलेटेड इसमें कंटेंट आपने ऐड कर दिया है, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए आपका, जिस भी टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं उस ही टॉपिक पर आपका कंटेंट होना चाहिए, और रेलिवेंस कंटेंट होना चाहिए, यानी आपने फर्स्ट पैराग्राफ जो आपने डिजिटल मार्केटिंग के इंट्रो लिखा है तो नीचे भी उसके उस पैराग्राफ के मिलती जुलती आप पैराग्राफ लिखेंगे, आपने ये नहीं करना कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपने डिजिटल मार्केटिंग की बात की सेकेंड में आप किसी और चीज की बात करते हैं। इसके अलावा व्हाइट हैट SEO में रेलिवेंस इंटरनल लिंकिंग करना, यानी आप जो भी बैकलिंक्स बनाते हैं आपके इंटरनल बैकलिंक्स हैं वो भी रेलिवेंस होने चाहिए, वो भी आपके बैकलिंक्स क्या होने चाहिए, रेलिवेंस होने चाहिए,
आप ये नहीं सर, आप एक डिजिटल मार्केटिंग पर आपने एक पेज बनाया है, तो आप उसका जो रेलिवेंस, उसका टंडर जो टंडर बैक लिंक उसका अपनाएंगे, वो भी उसी डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड और कोई पेज होगा उसको आप लिंक कर लेंगे। ये नहीं होगा आपने एक डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है और दूसरा आपका किसी और टॉपिक के रिलेटेड पेज बना हो तो उसको आप लिंक करेंगे। ये भी ये वाई ब्लैक एट एसईओ कहलाता है। इस तरह करना, वाइट एट एसईओ में रेलिवेंस इंटरनल लिंकिंग होनी चाहिए। और आप एक्सटर्नल बैक लिंक्स बनाते हैं तो वो भी आपके रेलिवेंस होने चाहिए। लिंक बिल्डिंग आपकी क्या होनी चाहिए? रेलिवेंस होनी चाहिए। आप की वेबसाइट, जैसे मैं कह रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है, तो आप कोशिश करनी है आपने बैक लिंक्स भी उसी उन वेबसाइट से लेने हैं जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड वेबसाइट्स हैं। उन्हीं टॉपिक पर आपने दूसरी वेबसाइट से लिंक लेनी है जो आप डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड हैं। ये हो गया वाइट एट एसईओ के रूल्स, हो गया पॉइंट्स, हो गया कि किन किन पॉइंट्स के मद्देनजर इस एसईओ को वाइट एट एसईओ कहा जाता है। अब चलते हैं ब्लैक एट एसईओ की तरफ। ब्लैक एट एसईओ में कौन कौन से पॉइंट होते हैं, किन पॉइंट की बिना पर एसईओ को ब्लैक एट एसईओ का नाम दिया गया है? आप कोई भी कंटेंट राइट करते हैं, कंटेंट जनरेट करते हैं, वो अगर कॉपीराइट कंटेंट हो वो उसको हम ब्लैक एट एसईओ में शामिल करते हैं। कीवर्ड स्टफिंग, दूसरा अपने आप अपने आर्टिकल में कीवर्ड की स्टफिंग करते हैं, यानी आपने डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड एक आपने आर्टिकल राइट किया है, हर लाइन में आप डिजिटल मार्केटिंग, हर लाइन में डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग किया, उस तो आपने कीवर्ड को इतनी ही बार ज़्यादा यूज़ कर लिया है तो ये उसको क्या कहलाएगा? कीवर्ड स्टफिंग कहलाएगा। ये भी ब्लैक हैट एसईओ की एक टाइप है। कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी चाहिए। और हिडन टेक्स्ट, हिडन टेक्स्ट और हिडन लिंक्स, ये भी ब्लैक हैट एसईओ की एक टाइप है। यानी आपने एक सारा एक पैराग्राफ लिखा है या कीवर्ड्स आपने राइट किए हैं मुख्तलिफ, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, एसईओ कोर्स हो गया, इस तरह के आपने 20-25 आपने कीवर्ड्स एक पैराग्राफ में पुट कर दिए हैं। आपने आपने उसका बैकग्राउंड क्या कर दिया है? वाइट कर दिया है। यूजर को तो वो नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जो क्रॉलर होगा हमारी वेबसाइट को क्रॉल करने के लिए आएगा, वो रीड कर सकेगा इसको कि आपने क्या वर्क किया हुआ है, क्योंकि वो तो कोडिंग को देखता है ना। क्रॉलर आके कोडिंग को क्रॉल करता है, ना कि हमारा यूजर इंटरफेस होता है उसको क्रॉल करता है। तो जैसे ही आपने वो यूजर इंटरफेस पर, तो आपने वो क्या कर दिया? हिडन कर दिया है, लेकिन क्रॉलर उसको क्रॉल कर पाएगा। तो ये सर्च इंजन के रूल्स के अगेंस्ट है। तो जो जैसे जैसे ही गूगल अपडेट होता जा रहा है, उसे अपने एल्गोरिथम वो अपडेट करता जा रहा है। आगे नेक्स्ट उसके कुछ एल्गोरिथम होंगे और फ्यूचर में उसके कुछ एल्गोरिथम होंगे, वो अपने एल्गोरिथम चेंज कर रहा है। पहले ये लोग बहुत से ये टेक्निक लोग बहुत यूज करते थे, लेकिन अब गूगल ने इस टेक्निक को बैन कर दिया है। इस टेक्निक को गूगल ने ब्लैक एट एसईओ में शामिल कर दिया है। आप कोई भी उसका कीवर्ड के राइट करके, उसको बैकग्राउंड राइट करके आप इस तरह आर्टिकल नहीं जनरेट कर सकते। इसके अलावा एक और पॉइंट है क्लॉकिंग। क्लॉकिंग का मतलब है यानी ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। अक्सर ऐसा करते हैं, वो आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल में कुछ वो और बात कर रहे होते हैं, आर्टिकल का टाइटल कुछ और होता है। तो जैसे जब क्रॉलर आता है तो वो क्रॉल करता है, तो उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन वो गेन नहीं कर पाता, क्योंकि आप इमेज आपने किसी और चीज़ की लगाई हुई है, आप टाइटल किसी और टॉपिक का दे रहे हैं, आप राइट किसी और टॉपिक पे कर रहे हैं, इसको बोलते हैं क्लॉकिंग। ये भी ब्लैक एट एसईओ का एक पॉइंट है, इससे भी आप अवॉइड करना है। आपने ब्लैक एट एसईओ की यानी आपने टाइटल कुछ और नहीं देना, आपने कंटेंट भी कुछ और नहीं देना। जो आप कंटेंट राइट करेंगे उसी पर ही आपने इमेजेस बनानी है, उसके रिलेटेड आपकी रेलिवेंस इमेजेस होने चाहिए, उसके रेलिवेंस आपका टाइटल होना चाहिए, उसके रेलिवेंस आपके डिस्क्रिप्शन होने चाहिए,
ये नहीं है कि आपका टाइटल और कंटेंट में डिफरेंस होना चाहिए, इसको क्लॉकिंग बोलते हैं। और ये भी ब्लैक एट एसईओ का है। अगर आप ब्लैक एट एसईओ करते हैं तो आपकी वेबसाइट ब्लैक लिस्ट हो सकती है। ब्लैक लिस्ट मीन सर्च रिजल्ट पेजेस से आपकी वेबसाइट रिमूव हो सकती है। जब आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट पेजेस से रिमूव हो जाएगी तो ये एक बहुत बड़ा लॉस होगा, और आपके लिए आपकी जितनी भी मेहनत होगी, आपने 2-4 महीने, 1 साल, 1.5 साल जितनी भी आपने मेहनत की होगी, आपकी मेहनत जाया चली जाएगी। इसी वजह से आपने ब्लैक एट एसईओ से अवॉइड करना है। ब्लैक एट एसईओ आपने बिल्कुल भी नहीं करना। कुछ कुछ क्लाइंट होते हैं, उनको रिजल्ट पेजेस, या कुछ बंदे होते हैं, कुछ ऐसे बंदे भी हैं जिनको रिजल्ट फास्ट चाहिए होते हैं। वो कहते हैं कि हमारे ना, हमें रिजल्ट फास्ट हैं। एसईओ के रिजल्ट के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, उसके रिजल्ट 5 से 6 मंथ में तकरीबन आते हैं। लेकिन वो चाहते हैं हमारे रिजल्ट फास्ट है, वो थोड़ा बहुत ब्लैक एट एसईओ अप्लाई करते हैं, यानी 2 या 3% वो ब्लैक एट एसईओ करते हैं, उससे थोड़े बहुत उनके रिजल्ट जल्दी आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही सर्च इंजन क्रॉल करता है, वो उसको इंडेक्स करता है, उस कंटेंट को समझता है, तो वो फिर उसको कम ब्लैक एट एसईओ कर देता है। अब ये इस बात की, आपको, आप बिगनर हैं तो आपको मेरे ख्याल में समझ नहीं आएगी कि 100% जो हमने एसईओ किया है उसमें कितना हिस्सा 2 या 3% ब्लैक एट एसईओ है, कितना हिस्सा वाइट एट एसईओ है। ये आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको इल्म होगा कि कितना हिस्सा वाइट एट एसईओ होता है और कितना हिस्सा ब्लैक एट एसईओ, कौन कौन से पॉइंट्स ये सर अंजाम दिए गए ये ब्लैक एट एसईओ में आएंगे। ये एक्सपीरियंस के साथ आपको नॉलेज हो जाएगा। यानी हमने, अब 100% हमने एसईओ की, उसमें 2 या 3% हमने क्या कर दिया, ब्लैक एट एसईओ कर दी, और 97% हमने क्या कर दी, वाइट एट एसईओ कर दी। तो ये जो प्रोसेस है, ये ग्रे हैट एसईओ बुलाता है। अब आप ये प्रोसेस करेंगे, आप तो रैंक, थोड़ा बहुत रैंक 1 मंथ या 2 मंथ में आप जल्दी तो हो जाएंगे, आप ब्लैक एट एसईओ के आप थोड़े बहुत स्टेप्स करके, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी ग्रे हैट एसईओ ब्लैक हैट एसईओ में कन्वर्ट हो जाएगी, और सर्च इंजन की तरफ से जो सर्च इंजन गूगल हो गया उससे कब आपको पेनल्टी मिलेगी, आपकी वेबसाइट डी रैंक हो जाएगी। इस तरह आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। आपने बिल्कुल भी ब्लैक हैट एसईओ का यूज़ नहीं करना। आपने वाइट एसईओ को मद्देनज़र रखते हुए, सर्च इंजन के रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए एसईओ करनी है, और ऑर्गेनिकली करनी है। ये आपकी एसईओ जो होगी ऑर्गेनिकली एसईओ, इससे आपका जो विजिटर हो क्रिएट होगा, जो आपके क्लाइंट क्रिएट होंगे, जो लॉन्ग टर्म होंगे, वाइट एट एसईओ के थ्रू आप वेबसाइट जल्दी रैंक करोगे। जैसे जैसे गूगल का एल्गोरिथम चेंज होगा, आपके वेबसाइट प्लंटी होगी, तो आपके विजिटर भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, आपकी वेबसाइट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, रिजल्ट पेजेस से भी रिमूव कर दिए जाओगे, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। तो आपने वाइट एट एसईओ पर ही फोकस करना है। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई हो। अगर किसी भी सवाल पर, किसी भी चीज़ की आपकी समझ नहीं है, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज पर भी आप आके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।